नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान अधिनियम के एक नए अध्याय को पढ़ेंगे, अध्याय 10, जो कि एजेंसी या अभिकरण से संबंधित है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एजेंसी और एजेंट बहुत ही सामान्य रूप में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, जिनका अगर हम सामान्य अर्थ निकालें तो एजेंट ऐसा व्यक्ति है जो किसी मालिक द्वारा, जिसको हम प्रिंसिपल कहेंगे, प्रिंसिपल द्वारा नियुक्त ऐसा व्यक्ति है जो प्रिंसिपल के लिए तृतीय पक्षकारों से, थर्ड पार्टी से संविदात्मक संबंध बनाता है। एजेंट संविदात्मक संबंध, ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन किसके लिए, किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए, थर्ड पार्टी से बनाता है। ध्यान देने वाली चीज़ है, प्रिंसिपल के लिए, यानी ये क्या करता है, ये एक कड़ी का काम करता है, लिंक का काम करता है, मध्यस्थ का काम करता है। इससे ज़्यादा इसकी भूमिका नहीं होती है, बशर्ते इसको अपनी अथॉरिटी में काम करना होगा, अथॉरिटी जो कि मालिक द्वारा एक को दी गई होगी। अब इसकी ज़रूरत क्या होती है, पहले हम इसको समझें। मान लीजिए कि ये प्रिंसिपल जो है, मालिक जो है ये बड़ा व्यवसायी है और इसको हर जगह अपने कार्य क्षेत्र को विस्तार देने में अकेले होने के कारण समस्या है, हर जगह यह स्वयं प्रस्तुत नहीं हो सकता। तो क्या करेगा, वो अपने कुछ अभिकर्ताओं को, एजेंट जिनको हम कहेंगे, ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेगा जो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, उसके प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे और तृतीय पक्षकारों से संविदा करेंगे। किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए। और प्रिंसिपल ये खुद नहीं करेंगे, ये इनके नाम से करेंगे, अपने नाम से नहीं करेंगे, ध्यान देने वाली चीज़ है, इनके नाम से इनसे संविदा करेंगे। तो संविदा के पक्षकार उस स्थिति में कौन होंगे, ये और ये। किन्हीं भी दायित्वों के लिए अगर एजेंट अपने प्राधिकार में काम कर रहा है, अथॉरिटी में काम कर रहा है, तो वो उसके लिए दायी नहीं होता है। सामान्य रूप से प्रिंसिपल ही दायी होगा किन्हीं भी संविदा भंग या कोई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो थर्ड पार्टी के प्रति प्रिंसिपल दायी होगा, प्रिंसिपल लाइबल होगा। अब जो यहाँ समझने वाली बात ये है कि अभी हम एजेंसी की बात करें, तो एजेंसी में हम देख रहे हैं कितनी पार्टीज़ होती हैं। एजेंसी क्रिएशन के लिए, क्रिएशन ऑफ एजेंसी कितनी पार्टीज़ होंगी, टू पार्टीज़ आर रिक्वायर्ड। कौन कौन, प्रिंसिपल और वो व्यक्ति जिसको एजेंट के रूप में नियुक्त किया जाना है। अब देखिए, जैसा कि हम समझ पाते हैं इस उदाहरण के द्वारा, कि एजेंट प्रिंसिपल के लिए काम करता है, मालिक के लिए काम करता है, मालिक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। और क्या काम करता है, बेसिकली ये थर्ड पार्टीज़ को एक संविदात्मक संबंध में लाता है प्रिंसिपल के साथ। इस बात को, इन शब्दों को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए, एक बात हम समझना चाहें, क्या कोई ऐसे नियम हैं जिनके आधार पर ये एजेंसी का निर्माण होता है, तो दो ऐसे छोटे छोटे नियम हैं जिनको कहा जा सकता है कि इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर एजेंसी का क्रिएशन होता है। वो क्या है, ये ऊपर लिखा हुआ एक लैटिन मैक्सिम है, क्यो फैसिट पर एलियम फैसिट पर से। इसका मतलब क्या हुआ, ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर डज इट बाय हिमसेल्फ। अगर हम कोई कार्य, मैं या प्रिंसिपल कोई कार्य किसी अन्य के द्वारा करा रहे हैं, तो ये माना जाता है कि वो कार्य मेरे स्वयं द्वारा किया जा रहा है या प्रिंसिपल के द्वारा स्वयं किया जा रहा है। और उसके पीछे क्या तर्क है, वो तर्क ये है, वट एवर अ पर्सन स्वे ज्यूरिस मे डू बाय हिमसेल्फ, ही मे डू इट बाय एनी अदर या बाय अनदर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सुई जोरिस एक टर्म है, इसका मतलब होता है हैविंग फुल लीगल राइट, हैविंग फुल लीगल राइट,
यानी अगर किसी बात का पूर्ण विधिक प्राधिकार हमारे पास है तो वो उस कार्य को वो मैं खुद कर सकता हूँ या मैं किसी और के द्वारा करा सकता हूँ। अब अगर इस नंबर टू को पहले रखिए कि अगर मुझे किसी कार्य को करने का पूर्ण प्राधिकार प्राप्त है तो उसको मैं खुद कर सकता हूँ या दूसरे से करा सकता हूँ। इसके बाद आइए, अगर मैं कोई काम दूसरे से करा रहा हूँ तो वो मेरा काम माना जाएगा, मेरे द्वारा किया गया काम माना जाएगा। तो ये दो सिद्धांत आप देख रहे होंगे, प्रिंसिपल खुद काम कर सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट तीसरे पक्षकार से कर सकता है तो वो एजेंट से करा रहा है, एजेंट से करा रहा है तो ये उसका खुद का काम माना जाएगा, ठीक है, ये उसका खुद का काम माना जाएगा। और दूसरी बात होती है कि अगर हम दूसरे के द्वारा कोई कार्य करा रहे हैं तो वो मेरा खुद का कार्य माना जाएगा। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि बातें समझ में आई होंगी, ये जो दो रूल्स हैं एक क्रिएशन ऑफ एजेंसी के पीछे काम करते हैं, सिद्धांत हैं ये। ये लैटिन मैक्सिम पहली क्यू फैसिट पर एलियम फैसिट पर से और वट एवर अ पर्सन से जूरिस मे डू बाय हिमसेल्फ ही मे डू इट बाय अनदर। अगर मेरे पास कोई कार्य करने का प्राधिकार है तो मैं दूसरे से भी करा सकता हूँ, ये समझने की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये एजेंसी का एक जो फंडामेंटल रोल है वो काम कर रहा है।